नमस्कार मु अनिता स्वागत करुची आपण समस्तंकु आम चैनल बीन रोसे को। पियाज पकोड़ी बनवाप मुझे सतट मीडियम सैज्र पिज को यहपर का काटने तार मुंडटी एवं अगभागटी एमती देखते काटने जहाँफल पिज भल भाव में गोटी गोटी हो देखो सब पिज को मुझे स्लाइस कर चकड़ी देलापर इपर एकदम खंड खंड गोटे गोटे पीस हो देखिपमती बर्तमान आम ए पकईदे लुण मुझे स्वाद अनुसार लुण पकई नौ लुण पक सारापर भल भाव हाथ में आम यहाँ चकटी नवा जमी पिज एकदम गोटी गोटी हो एवं आपण ये देखिपार पिज को आम भल भाव चकड़ नहींचे और पिज प्राय एकदम गोटी गोटी हो सारी बर्तमान एमें पकईदे लंका गुंड मुझे दुईटा कंचा लंका छाचिक दौली लंका गुंड मुझे अल्प दौची आपड़ी बेसी राग पसंद तेज बेसी लंका गुंड एपरेंगे अल्प टिके पकईदे हलदी गुंड सहित मुझे अधा छोट चमच नहीं चाट मसला को पकई नवा अधा छोट चमच नहीं जुआणी जुआणी को टे हाथ में घसिकिना पकई नवा किसी धनिया पत्र काटिकी नहीं पकईदे धनिया पत्र पकईदेवर ए पकुड़ी टेस्ट आहुरी बढ़ी जाए सहित मुझे देदे दुईटा कंचा लंका और छोट खंड अदा को भलसे छेची नहीं पकईदे और सब जिनस को भल भाव पुणी मिक्स कर मसला गुड़ सब पिज सांगे भल भाव लगे देखो यहाँ रेडीगला एम पकईदे बेसन मुझे दुई बड़ चमच बेसन पकईदे सहित दुई बड़ चमच ये पकईदे चाउल चूना चाउल चूना जगह आप कॉर्नफ्लोर दे पारे चाउल चूना देवा द्वारा पकुड़ी आम भल भाव क्रिस्पी होता है पर आवश्यकता अनुसार बाकी बेसन और चाउल चूना एड कर बर्तमान मुझे दुई चमच बेसन और दुई चमच चाउल चूना देदेली बर्तमान आपको आम भल भाव मिसेवा पा ए जमा भी देवानी बर्तमान आम एक भलि हाथ में मिसे ना कहीं पिज में आम लुण पकईते चकड़ ने सेलरेडी पा रिलीज होकु देखी आम भल भाव एमती का हाथ में चकड़ी ना मत ये बेसन एवं चाउल चूना कम लगुच तेणुक मुझे आउ दुई चमच बेसन आड कर गोटे चमच चाउल चूना पुणी थे सब जिनस को आम भल भाव मिक्स करवा एबे पर्यंत एथिरे मु जमा भी पानी आड करिनी वर्तमान एथिरे आमे दे देबा दुई चमच पाखापाखी पानी जमार भी बेसी पानी एथिरे दबानी मात्र दुई चमच जति कि मु एथिरे पानी को आड करिबी एवं भल भाव मिसे नेबे आठ रो अधिका पानी एथिरे जमार भी लागिबनी एई परिका सुखा सुखा हवा द्वारा पकुड़ी आमर क्रिस्पी बनिबो देखो सब जिनस को ये पकईक मिसे सारापर लास्ट में दे दूसरी दुई चमच तेल तेल दबा द्वारा पकुड़ी आमर भल भाव क्रिस्पी बनबा देखो पिज उपरे जस्ट बेसन और चाउल चूनार जस्ट गोटे कोटिंग रही आमको बेसी बेसन कि चाउल चूना पकेबार ना नचे यहाँ उपर क्रिस्पी हो भर सफ्ट होटी मुदेली दुई चमच तेल तेल दे सारापर आपको आम भल भाव मिसे ना पुणी थे एवं पकुड़ी छाणियाप पिजर ये मिक्सर टी आम रेडी सारी देखिपुर बर्तमान आम पकुड़ी छाणवा पकुड़ी छाणियापी मुझे गैस अन करके कड़े तेल गरम करेल को आम मीडियम फ्लेम रे गरम करवा सबुतक पकुड़ी को आम मीडियम फ्लेम रे ही छाणवा जमार भी हाई फ्लेम करवानी नचे पकुड़ी शीघ्र बनी तो जीव कि भल भाव क्रिस्पी बनबनी आउ जदि आम पूरा लो फ्लेम करदे तो पकुड़ी तेल पीज ये देखो हाथ में अल्प अल्प करके मो पकुड़ी पकई नौ आपन को जमती पसंद बड़ साइज़ रो किंबा छोट साइज़ रो पकुड़ी से अनुसार पियाज को ये एमती का हाथ में टिके हल्का गोलसे दे कि पकई ने जी कढ़ई में आसपा आम से पकुड़ी गुड़ाक पकई ना पकुड़ी गोटे सैड हाल्का सेकला आपको आम लेटेद एमतीका एपट सेपट लेउटे कि आम पकुड़ी को फ्राए करवा मीडियम फ्लेम रे जेते बेले पकुड़ी आमर भल भाव ब्राउन कलर एवं क्रिस्पी बनी जीवर आम आपको तेल रु बाहर कर नवा लाइट ब्राउन कलर हवा पर्यंत आम यहाँ फ्राए करवा आप देखिपर पकुड़ी गुड़क आम लाइट ब्राउन कलर हो सारी बर्तमान आम यहाँ तेल रु बाहर कर नवा पकुड़ी गुड़क आम बहुत ही सुंदर देखा आप देखिपार
मुझ बर्तमान पकुड़ी को गोटे प्लेट को काढ़ी नौचे एवं सेम प्रोसेस रे सेकेंड बैच पकुड़ी आम ये पकई नवा एमतीका हाथ में अल्प अल्प धरिकी आम पकुड़ी को पकेबा आपण चाहिए चामच साइज पक पुणी थे यहाँ आम एपट सेपट करके लेटे छाणी जिते बटा लाइट ब्राउन कलर होपर आम या तेल रू बाहर करवा आपण ये देखिपुंट सेकेंड बैच पकुड़ी आमर लाइट ब्राउन कलर हो सारी बर्तमान आम या तेल रू बाहर करवा और आउ जीत बैटर रहा पकुड़ी बनई नवा तेज प्रस्तुत हो जामर सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी पियाजर पकुड़ी बहुत ही सुंदर देखा जा यह पकोड़ी को मुझे टमाटो केचप सहित सर्व करें कंचा लंका को फ्राए करके रखी पकोड़ी सहित कंचा लंका खाया को बहुत ही टेस्ट लगी था आपड़ चाहिए या ग्रीन चटनी सहित सर्व करें तेज देखिपी पकोड़ी आमर के क्रिस्पी बनी आपड़ विश्वास करें बहुत ही टेस्टी बनी थे घरे निश्चित प्रस्तुत करूँ केमती बनला मत कमेंटे निश्चय जनातु आशा पकुड़ी बनवाई प्रथम आम सामग्री देखनेबा ये मुझे गोटे कप ग्रीन मटर नहीं गोटे कप चूड़ा को भल भाव धोईक नहीं मुझे बतुरे खाली धोईक नहीं सहित नहीं किसी धनिया पत्र भृसंग पत्र किसी रसुण कला छोट खंड अदा तीनो कंचा लंका और गोटे मीडियम साइज पिज को भलसे चप कर नहीं लुण गोटे ग्राइंडर जान नहीं ना ए ग्रीन मटर को देदे सहित ये चूड़ा कोईदे चूड़ा को केवल मुझे धोईक ही नहीं मुझे बतुरे ये कंचा लंका अदा रसुण कोईदे धनिया पत्र भृसंग पत्र कोईदे आर टेस्ट बहुत ही भल आस पकुड़ी रे तुम्हें प्रथम दरदरा ग्राइंड करनवा एवं अल्प पा देदे तीन चमच पखापाखी दे कि ग्राइंड करनवा आपण ये देखिपी पकुड़ी बनवाई ग्रीन मटर एवं चूड़ार मिक्सर ये आम रेडी आपको आम गोटे बाउल को ट्रांसफर करनाबा एवं आम काटिक रखि पियाज को मिक्स करनाबा ता सहित स्वाद अनुसार ये लुण देदे लुण देवापर यह सब जिनस को आम भल भाव मिक्स करनाबा मिक्स कर सारापर एमें मिसेद बेसन सामग्री कहला बेले बेसन खायापाई मुझे भूली जा दुई बड़ चमच बेसन मिसई दूची बेसन मिसई सारापर आपको आम भल भाव मिक्स करना बेसन दबा द्वारा पकुड़ी में भल बाइंडिंग आसी थाए आप चाउल चूना अल्प यूज करें सब जिनस को भल भाव मिसई सारापर पकुड़ी बनवाई मिक्सर आम रेडीगला पकुड़ी छाणी तेल ये मुझे भल भाव गरम कर गैस फ्लेम ये मीडियम ही अच्छी एवं हाथ में आम छोट छोट एमतीका नहीं कि तेल पकेबा आपण देखिपरिका आपण मन पसंद साइज आपण बन पारे मुझे हाथ में छोट छोट करके पकई नौ गोटे साइड तर हल्का ब्राउन कलर हो हालाका टिके फ्राई होगला परे आमे लेउटे नबा एही परिके एपर सपर लेउटे की टिके ब्राउन कलर होगला परे आमे पकुड़ी को तेल रु छाणी नबा एही पकुड़ी छाणिया पाई बहुत कम समय ही लगी था एही पकुड़ी बनेबा बहुत ही सहज आपाय बेसी किसी इनग्रीडियंट लगी न था जहाँ भी सब ये यूज हो घर आराम से मिली जाए था एवं झटपट यहीपरिका पकुड़ी आप बन पारे जेहेतु ये आम ग्रीन मटर एवं चूड़ा यूज करे यहाँ छोट पा खावा देपर आपत देखिपी पकुड़ी हल्का रंग चेज हो सारा एवं आपको एपट सेपट लेउटे की मीडियम फ्लेम रे ही फ्राए करवा जहाँफल यहाँ टे क्रिस्पी बनब ये सबुतक पकुड़ी आम भल भाव हो सारा आपको आम ए तेल रु बाहर करनवा एवं सेम प्रोसेस रे आमे बाकी सबुतक पकुड़ी मध्ये एटी छाणी नबा गरमा गरम ग्रीन मटर पकुड़ी आमर एटी रेडी हो जाइछि ए पकुड़ी को आपण टमाटो सॉस किंबा ए परिका ग्रीन चटनी सहित खाइ परिबे
एटा बहुत ही टेस्टी लगे खाइबापी आशा कर आज पकोड़ी रेसीपी आप समस्त बहुत ही पसंद आसंद आसी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करने जमार भी भूल गाजर पकोड़ी प्रस्तुत करने गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल से दे दूसरी मुझे देढ़ कप गाजर कोरा गाजर को मो चोपा छड़ेकी धोईकी ताकु ग्रेट करी नेची पाखापाखी देढ़ कप हम बर्तमान एदेदबा गोटे मीडियम साइज रो प्याज को मु चॉप करी रखी देखु यहपरिका मु लंबा लंबा शेप रो चॉप करी एपरी प्याज को काटिक पकईदबा किसी धनिया पत्र को काटिक नहीं पकईदबा कि भृसंग पत्र काटिक नहीं पकईदबा छोट खंड अदा दुईटा कंचा लंका को एकदम छेचिकी नहीं पकईदबा एकदम फाइनली छेचाई आप चाहिए लंका और अदार पेस्ट बन पारे स्वाद अनुसार ये लुण को देदेबा अल्प टिके हलदी गुंड देदेबा अल्प टिके लंका गुंड देदेबा आपण को बेसी राग पसंद थे आपड़ अधिक लंका गुंड किंबा कंचा लंका को बेसी करके काटिकपरेंगे गोटे चमच दे दूची आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर बदल में आप चाट मसलापरेंगे सहित आम देदे अल्प टिके गरम मसला गुंड अधा चमच नहीं जुआणी जुआणी को हाथ में टिके घसी कर पकेबा जहाँफल बढ़िया फ्लेवर सहित हजम हमारे साय करें ये मुझे अधा कप बेसन तासत वन फोर्थ कप दुई बड़ चमच दे दूसरी चाउल चूना चाउल चाउल चूना बदल में आप कॉर्नफ्लोर मध्यपारे ये मुझे दुई चमच तेल तेल देवा द्वारा पकोड़ी भितर बहुत ही क्रिस्पी बनी थाए बर्तमान सब जिनस को आम भल भाव मिसेदबा एर पानीर कौन आवश्यकता ही हेबनी सब जिनस गाजर में ऑलरेडी मॉइश्चर थाए जिते लुण पड़ जाए तो से पानी रिलीज होता है से ही पानी ही आमर य पकोड़ी बनवा डोटा बैटरटा रेडी जमार किसी पानी एड करने को पड़बनी पकोड़ी आउ टे फ्लफी करने आपठी गोटे पिंच बेकिंग सोडापर कि बिना बेकिंग सोडार पकोड़ी बहुत ही बढ़िया बनब आपड़ी देखिपर पकोड़ी बैटर आम भल भाव रेडीगला देखते ये किसी पानी आवश्यकता पड़ा बर्तमान आमे पकोड़ी को तेल रे फ्राई करवा देखो हाथ में किंबा चामच सामती आपंकर इच्छा सेमती सेप बनई तेल पकई पारे तेल गरम हाँपी बस तेल को आम मीडियम फ्लेम रे गरम करवा एमती गोटे गोटे पकोड़ी ए पकईदबा एपट सेपट लेटे गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन फ्राए करवापर आम तेल रू बाहर करवा सांगे सांगे ए चमच जमा भी पूरेबानी कि समय कुक हो गलापर देखु एपरिका लेटेदेबा एपट सेपट लेटे भल भाव लाल लाल होगा पर्यटन किंवा गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन यह फ्राए करवा कि समय फ्राए कालापर आपड़ देखिपर पकोड़ी गुड़क आम बढ़िया कलर आसीगला बढ़िया भाव में कुक हो सारा बर्तमान आम यहाँ सब तेल रू बाहर करवा सेम प्रोसेस बाकी सबुतक पकोड़ी आम फ्राए करवा यही पकोड़ी गुड़िक गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन यह एपट सेपट लेटे फ्राए करवा सब पकोड़ी तक भल भाव कुक हो गलामें तेल रू बाहर करवा तेल रू बाहर कर टिश्यू पेपर किचन टॉवल किंबा गोटे छणार रखिपर जहाँफल जो एक्स्ट्रा ऑयल थी से बाहर देखो सबुतक पकोड़ी तो आम ये फ्राए हो सारा बर्तमान से पकोड़ी गुड़क आम सर्व करने टमाटो केचप सहित किंबा आप ग्रीन चटनी सहित सर्व करें देखु सबुतक पकोड़ी आमर बनिक रेडी सारी तेज आपण मैंने भी एमती थे गाजर पकोड़ी बनई खातु देखिए बहुत ही टेस्ट लगे आशा कर शीत दिन यही बंधाकोबी पकोड़ी खावाक बहुत ही टेस्ट लगी था जदि आपण मानक आज फाड़े बंधाकोबी को देखते यहपरिका चूना चूना करी भल भाव धोईकी छाणी नहीं गोटे बाउल नहीं जावा से बाउल बंधाकोबी को देदबा एबे एथिरे देदबा पियाज धनिया पत्र कंचा लंका एवं किछ अदा को मु कोरि नै छि ए सब जिनस को एथिरे देदबा अदा कंचा लंका धनिया पत्र एवं कोरा अदा आपण चाहिले एटी रसुण मते देइ परिबे एवं भृसंग पत्र मध्ये देइ परिबे स्वाद अनुसार एथिरे मु लुण को दे देली तापर एथिरे देदबा आमे चाट मसला गुटे छोटो चम्मच चाट मसला मे एठी दे दउ छि पकोड़ी रे बहुत ही चटपटा टेस्ट लगेपी तापर एमें देदे अल्प हलदी गुंड एवं
गोटे छोट चामच देदे गोलमरीचर गुंड आपन चाहे लंका गुंडपर ये मो अधा छोट चामच नहीं जुआणी जुआणी को हाथ टे घसिक पक बहुत बढ़िया फ्लेवर आसव सब जिनस को आम हाथ में भल भाव मिसे ना जेहेतु एमें लुण दे तो बंधाकोबी ए बर्तमान बहुत ही नरम हो बंधाकोबी बहुत पानी रिलीज हे देखि पार्टी सब जिनस मिसे सारापर बंधाकोबी बहुत नरम बनी जाइए बर्तमान एमें गोटे कप देद बेसन अधा कप देद चाउल चूना चाउल चूना दवा द्वारा पकुड़ी क्रिस्पी बनी थाए एवं यही पकुड़ी प्रस्तुत करने आमको किसी भी पानी आवश्यकता पड़े बंधाकोबी जो पा रिलीज होती हिं यही पकुड़ी बैटरटा रेडी सबुतक जिनस को आम भल भाव मिसे सारापर आपड़ी देखिपर पकुड़ी बनवाई जो बैटरटी आमर एकदम रेडी सारी देखु बर्तमान एमती आम पकुड़ी प्रस्तुत करवा आर कनसीस्टेन्सी बिलकुल यहपर रहा दरकार आठ रु बेस पतला हम नहीं गैस ऑन करे मु कड़े तेल गरम हाँपाई बसईदे मीडियम फ्लेम रे सब तक पकुड़ी को आम छाणी जहाँ फिर पकुड़ी गुड़ाक आम क्रिस्पी हे सहित भितर पर्यंत भल भाव कुक एमती हाथ में छोट छोट गोला करें पकुड़ी पकेबा आपने चाहिए चामच साइज़ पक तेल रे जेतिकी पकुड़ी आसीबो सेती पकुड़ी आमे पकई देबा एवं मीडियम फ्लेम रे एपर सेपर लेउटे की गोल्डन ब्राउन कलर हेला पर्यंत ए पकुड़ी को फ्राई करिबा। अचानक घर को गेस्ट आसीगले एही परिका बंधाकोबी रो पकुड़ी प्रस्तुत करके खुआंतु देखिबे समस्त को बहुत ही भल लगिबो। आपण एटी देखि परचनी पकुड़ी गुड़ को गोटे साइड आमर हल्का गोल्डन कलर हो सारलाणी एवं भल भाव एपर सेपर लेउटे की आमे पकुड़ी गुड़ को भल भाव फ्राए करवा देखु पकुड़ी गुड़िकर गोल्डन ब्राउन कलर हो सारे बर्तमान आम आपको तेल रू बाहर कर नवा एवं सेम प्रोसेस रे बाकी तक पकुड़ी छाणी नवा पकुड़ी तक तेल रे पक सारापर गोटे साइड हाल्का ब्राउन कलर होगा पर्यंत अपेक्षा करवापर या लेउटे की चारिपटर एकदम भल भाव पकुड़ी गुड़ को गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत फ्राए करवापर या तेल रू बाहर कर नवा ये पकुड़ी छाणिया को बहुत ही कम समय लगी था सबुतक पकुड़ी आमर ये प्रस्तुत हो सारी पकुड़ी को आप टमाटो केचप कि जेकोसी ग्रीन चटनी सहित खाईपर बहुत ही टेस्ट लगी था कि चा सहित खाईपर जदि आपण मानक आज बंधाकोबी पकुड़ी रेसीपी भल लगी था वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलें सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करने जहाँफल आग को अपलोड करने को जाऊँगा मोर सब नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर यह। एठी मु गोटे कप सोया बड़ी नहीं सोया बड़ी को वर्तमान आमे पानी रे फुटेबा प्रथमे मु गैस ऑन करी पानी बसई नहीं पानी रे किछि लुण दे दउछि ए पानी को आमे फुटिया पई छाड़िबा पानी फुटला परे एथिरे आमे सोयाबड़ी पकेबा आपण एटी देखि पारछनी पानी हमरा भल भाबर फुटिलानी सोयाबड़ी को पकई देबा सोयाबड़ी पकई सारी के आकु 2 मिनिट पर्यंत एमती फुटिया पई छाड़िबा तापरे आमे गैस रो फ्लेम बंद कर देबा एटी 2 मिनिट हे सारी मु गैस रो फ्लेम बंद कर दउछि एही सोयाबड़ी को गोटे बाउल को काढ़ी नउछि एटी सोया बड़ी तक मो बाउल को काढ़ी सारी एम देद किसी थंडा पा जहाँफल यहाँ टी थंडा हो चिपुड़ियापाई सहज हम ये पाणी को मुझे ढाई देखिए पुणे आउ थे थंडा पा देदेपर या भल भाव आम चिपुड़ी नवा भल भाव चिपुड़ी मुझे गोटे बाउल को रखि नौ देखु यहपरिका भल भाव चिपुड़ी नवा और गोटे बाउल को ट्रांसफर करदे एटी देखु सबुतक सोयाबड़ी को मो बाउल को चिपुड़ी काढ़ी एवं आम मसला सब मिसेद प्रथम मुझे किसी हलदी गुंड दे दूँगी तापर ए किसी लंका गुंड दे दूँगी आपड़ चाहिए काश्मीरी लंका गुंड दे पारे यहाँ नॉर्मल लंका गुंड अच्छी एवं अल्प टिके गरम मसला देद एमें देद चाट मसला मुझे गोटे चामच चाट मसला दे दूँगी चटपटा टेस्ट तापर ए किसी आम आमचूर पाउडर देदे मुझे गोटे छोट चामच आमचूर पाउडर देदेली आमचूर पाउडर देवा द्वारा यहाँ टे बहुत ही चटपटा लगे
सहित आम लुण देदे गोटे पिंच एेगू देदे एवं गोटे चमच अदा रसुण पेस्ट देदेपर एमें दुई चमच दही देदे मुझे एकदम गाढ़ा दही नहीं दुई चमच दही देलापर यही सब जिनस को आम भल भाव फेटी देवा जमी मसला सब सोयाबड़ी सागरे भल भाव मिसीज आपड़े देखिपर सब मसला भल भाव मिसी सारी एबि मुझे बेसन बेसन मुझे देढ़ चमच दौर आपन चाहिए गोटे चमच बेसन और गोटे चमच चाउल चूना देपारे तापर आम एदे तीन चमच कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर दबा द्वारा ये क्रिस्पी बनबो एबेद अल्प टिके फूड कलर संपूर्ण ऑप्शनल अच्छी भल कलर पर दूसरी आप चाहिए स्किप करें कलर दे सर एवं सब जिनस को आम भल भाव मिक्स करदे ए जमा भी देवा दरकार ना यहाँ सेमती हम भल भाव पैंड हो सब जिनस मिसी सारापर एवं आपको फ्राए करने एकदम रेडी गैस अन कर कड़े में तेल गरम हाँपाई बसईदे तेल मीडियम फ्लेम रे ही गरम करवा आपको मीडियम फ्लेम रे ही छाड़ा जहाँफल यहाँ भलसे क्रिस्पी बनी पार एबे आपण चामच रे हो किंबा हाथ रे हो गोटे गोटे पीस तेल रे पकेबा एवं मीडियम फ्लेम रे आकु क्रिस्पी करके छाणीमा एमती गोटे गोटे सोयाबड़ी पकेबा द्वारा एटा गोटी गोटी हेकि छाणी हबो आपण एकाथरे जमाई पकेबेनी आकु एबे एपर सेपर लेउटेकी लाल लाल हेबा पर्यंत फ्राई करबा आपण आडी देखि परुचंती पकुड़ी आमर बढ़िया से लाल लाल कलर हो गला तेल रु बाहर कर नबा सेम प्रोसेस रे बाकी सबुतक पकुड़ी छाणी नबा एही पकुड़ी को मीडियम फ्लेम रे छाणीमा जहाँफल एटा भल भाव क्रिस्पी हेबो एवं आकु कंटिन्यूसली एपट सेपट चलाउथिबा जहाँफल चारिपटर एटा भल भाव कुक हेबो एठी सेकेंड बैच पकुड़ी आमर रेडी सारी आपको आम तेल रु बाहर कर नबा तेबे प्रस्तुत हो जाइछि आमर एठी सोयाबड़ी पकुड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनीचे बाहर एवं भितर आप देखिपर मुझे गोटे पकुड़ी को खंड करके देखा मुग डाली पकुड़ी बनवाई मुझे अधा कप मुग डाली को अध घंटा हाँ बतुरी बतुरी सारापर मुझे भल भाव धोई नहीं देखो मुग डाली आम भल भाव बतुरी जा बर्तमान नहीं जी गोटे ग्राइंडर जार से ग्राइंडर जार ये मुग डाली को छाणिकी देदे मुग डाली दे सारापर एमें देदे कि कला रसुण कि खंड अदा एवं दुईटा कंचा लंका यही सब जिनस को आम टे खदड़ा करके ग्राइंड करवा पूरा एकदम फाइन पेस्ट बनैबानी आपन ये देखिपे केमती का मुझे दरबटा कर खंड खंड अच्छी पूरा फाइन पेस्ट बनैनी बर्तमान ताको गोटे बाउल को ट्रांसफर करी से बर्तमान देदेब आम कि कटा पिज एवं किटा धनिया पत्र आपण ए भूसंग पत्र पकई पारे ये सब जिनस को मुग डाली सहित भल भाव मिसईदापर एमें मिसईदे कि मसला एथिरे आमे दे देबा अल्प टिके हळदी गुंड स्वाद अनुसार लुण अल्प टिके गरम मसला दे देबा ता सहित अल्प टिके लंका गुंड बर्तमान एटी गोटे पिंच खाइबा सोडा दे देली तापरे सबु जिनस को आमे भल भाव मिक्स कर देबा मुग डाली रे पकोडी बनिया पई बैटर आमर एटी एकदम रेडी सारी आपण देखि परचोंदी स्पून साइजर हो किंबा हाथ रे हो जेमती आपणकर पसंद पकोडी पकई परबे मु एटी चामच साइजर पकोडी पकई नउची तेल को मु गरम हाँपी बसई देती तेल को मीडियम फ्लेम रे ही गरम करें मीडियम फ्लेम रे ही सबुतक पकुड़ी को छाणी हाई फ्लेम रे छाणिले पकुड़ी शीघ्र ब्राउन किंतु भीतर तक भल भाव सीझीपरबानी क्रिस्पी बनी पारनी एमती मीडियम फ्लेम रे पकुड़ी तक छाणवा द्वारा पकुड़ी गुड़िक सब क्रिस्पी बनब गोटे साइड हो सारापर आम लेटेद तेल एपट सेपट कर पकुड़ी को गोल्डन ब्राउन कलर हेला पर्यंत फ्राई करिबा किछ समय फ्राई कला परे आपण एटी देखि पारुचें पकोड़ी गुड़क आम बढ़िया कलर आसी गलानी बर्तमान ये पकोड़ी गुड़क आम तेल रु बाहर करना बा ये पकोड़ी छाणिया को जमार भी बेसी टाइम लगि नथाय ये पकोड़ी गुड़क टिश्यू पेपर मु बाहर कर नहीं सेम प्रोसेस रे बाकी सब तक पकोड़ी आम एटी छाणी नबा पुणी थरे मु तेल रे पकोड़ी तक पकई नौची एवं एपट सेपट लेउटेकी ए पकोड़ी को आमे फ्राई करना आपण ये देखिपुर पकुड़ी
भल गोल्डन ब्राउन कलर आसी सारे बर्तमान आम यहाँ तेल रु बाहर कर ना प्रस्तुत हो जाएगी मुग डाली पकुड़ी यह सहित सर्व करमाटो केचप आपड़ चाहिए पुदीना चटनी खाईपर पकुड़ी गुड़क बहुत क्रिस्पी बनी देखते भितर बढ़िया से कुक आपण मैंने भी यहीपरिका मुग डाली पकुड़ी बन के खातु देखिए बहुत ही टेस्ट लगे। गोटे कप बुट डाली को मु डेढ़ घंटा बतुरे रखी बर्तमान यह को भल भाव धोई नहीं बुट डाली भल भाव बतुरी जा बर्तमान गोटे ग्राइंडर जार नहीं जा सबुतक बुट डाली को छाणी देद बुट डाली दे सारापर एम देदे दुईटा कंचा लंका एवं किसी काटिक रखी अदा आपत चाहिए रसुण देपारे गोटे रु दुई चमच पा दे आम ग्राइंड करवा जदि आवश्यक पड़े तेज आउ दुई तीन चमच पा देपर कि बेसी पा दबानी यहीपरिका बैटर हाँ दरकार एमती सुखा सुखा टी बैटर है पकुड़ी बहुत क्रिस्पी बन एबे ही बैटर को गोटे बाउल को ट्रांसफर करनाबा बर्तमान यही बैटर रे आम मिसई नवा पियाज मुझे गोटे बड़ पियाज को फाइनली चॉप कर पियाज को आड करदे किसी धनिया पत्र काटिक रखी एड करदे बर्तमान एम अल्प टिके चाट मसला दे दूँ ताकि पकुड़ी आम टे चटपटा लगे ता सहित दे दूँ अल्प टिके गरम मसला एबे एड करदे स्वाद अनुसार लुण बर्तमान यही सबू जिनस को आम भल भाव मिक्स करदे एवं पकुड़ी छाणापी पकुड़ीर बैटर आमर ये रेडीगला देखते भल भाव सब जिन मिसीगला बर्तमान आम यहाँ फ्राए करवा आपन चाहिए यहाँ हाथ में पकईपर कि चमच में पकईपरेंगे गैस अन कर तेल गरम हाबापी बसईदे तेल को आम मीडियम फ्लेम गरम करवा बर्तमान चामच साइज़रे आम पकुड़ी को पकेबा आपन चाहिए हाथ में पकईपर एवं पकुड़ी साइज बड़ कि छोट इच्छा अनुसार करें पकुड़ी को आम मीडियम फ्लेम छाणीमा जहाँफल पकुड़ी भलसे क्रिस्पी हो पार एवं भितर को बहुत भलसे एकदम कुक हो पारपर तेल एपट सेपट लेटे हालका गोल्डन ब्राउन कलर है पर्यटन आम यहाँ फ्राए करवा आपण मैंने देखिए मीडियम फ्लेम रे फ्राए करवा द्वारा यहाँ बहुत ही क्रिस्पी बन ये देखुं पकुड़ी गुड़ाक आम भलसे फ्राए हो सारी एवं गोल्डन ब्राउन कलर आसी सारी बर्तमान आम यहाँ तेल रु काढ़ टीसू पेपर रखदे जहाँफल एक्स्ट्रा अएल तक बाहरी एवं सेम प्रोसेस रे बाकी सबुतक पकुड़ी आम ये छाणी नवा एवं सबुतक पकुड़ी को आम मीडियम फ्लेम ही छाणी आपण ये देखिपी सेकेंड बैच पकुड़ी आमर ये रेडी सारी बर्तमान आम यहाँ तेल रु बाहर कर नवा और बाकी तक बैटर में पकुड़ी बनई ना तेरे प्रस्तुत हो जाए बुट डाली पकुड़ी खाईपाई एकदम रेडी आपड़ चाहिए यहाँ चा सहित खाईपर कि चटनी कि टमाटो केचप सहित खाईपर सबुतक पकुड़ी आम बढ़िया क्रिस्पी बनी गोटे पकुड़ी को ये भांगिक देखली आपड़ जापर पकुड़ी आम के बढ़िया देखा जा बहुत ही क्रिस्पी बनी किसी कंचा लंका को अल्प टे तेल फ्राए करके पकई जो मैंने पकुड़ी सहित कंचा लंका खाया पसंद करते एमती फ्राए करके तबे आशा करुच्ची आज ये बुट डाली पकुड़ी रेसीपी आपन समस्त निश्चित पसंद आसीब पसंद आसते वीडियो को लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने जमारू भी भूल तेरे मुझे गोटे मीडियम साइज रो फुलकोबी को यहीपरिका काटि नहीं देखिपर एबे ये कोबी को भल भाव धोई नहीं तीन ग्लास पा गरम हाबापी बसई पा एवं गरम हो सर ए गोटे चमच लुण पकई काटिकोईकि रखि फुलकोबी को ये पकईदे पांच मिनिट पाई ये फुलकोबी को आम टे बॉइल कर पांच मिनिट हो सोबी अल्प टिके सीझी सारी एवं आम आपको गोटे छणा साहजरे आपको छाणी नवा आर एक्स्ट्रा पानी जाक आम बाहर करनाबा एवं आपको पूरा थंडा हवा को दबा पूरा थंडा हो सारापर आम ए मसला एड करवा ये मु चारिकला रसुण कंचा लंका एवं अदा छोट खन नहीं आम भल भाव पेशी नवा
फुलकोबी एटी ठंडा हो सारे एवं आपको आम गोटे बाउल को ट्रांसफर करनाबा एवं एमें दबा गोटे कप बेसन ता सहित आम ये दबा हाफ कप कॉर्नफ्लोर आ जगह अपने चावल चूना नहीं पारती कि बेसन एवं कॉर्नफ्लोर रो परिमाण समान रखि पारती एबा गोटे छोट चम्मच काश्मीरी लंका गुंड एवं हाफ चम्मच रु भी कम देदे आमचूर पाउडर ता सहित ये अल्प टिके आम हलदी देदे कलर पर तापर एम स्वाद अनुसार लुण देदे आम कोबी लुण पकईे तेणुक लुण देखिक ही पकड़ापर आम ये काटिक रखी धनिया पत्र को देदे एवं गोटे मीडियम साइज प्याज को छोट छोट कर काटिक रखी पकईदे और आम जो अदा कंचा लंका और रसुण छेचा प्रस्तुत करते पकईने किसी भृसंग पत्र पकईने वे जिनस को टे गोल नवा एबे पानी किसी भी एड करें सेमती प्रथम आग गोल नवा गरम मसला पक भूल जाइए ये छोट चमच अधा चमच गरम मसला गुंड पकईदे और यही सब जिनस को आग प्रथम गोल नवा बिनुसी चैनल को सब्सक्राइब करन तो एवं लाइक शेयर कमेंट करया को बोलन तो नी थैंक यू। तापर एथरे हमें अल्प अल्प पानी दे ताकु गोले नबा जमारे एथरे बेसी पानी देवानी बस पानी छिंची छिंची एथरे दबा जेमती बेसन एवं कॉर्नफ्लोर रो पाउडरटा आदरे जेमती कोबी देरे कोटिंग हे जीव भलो भाबरे से परके छिंची छिंची पानी खाली एटी दे दबा एटी प्रस्तुत हे जेछे हमर गोला एबे एथरे हमें टिके खाइबा सोडा पकई कि भल भाव आउ टिके गोळे नबा एबे मु गैस ऑन करके कड़े बस कि तेल गरम होबापई रखि दैछि तेल एटी गरम हो सैलानी गैस रो फ्लेम एटी हाई फ्लेम रे अछि जत्ते बेले आमे कोबी रो पकोडा को गोटी गोटी करके आथरे पकई देबा तबे गैस रो फ्लेम टा को आमे मीडियम रे कर देबा मीडियम करिया द्वारा गैस जो पकोड़ा रो ऊपर भागटा क्रिस्पी बनिबो एवं भीतर भल भाव सीझी जीव कोबीटा भीतर सॉफ्ट हो जीव एवं ऊपर उठिया क्रिस्पी रहबो ताको चम्मच रे एपट सेपट लेउटे कि आमे को 4 टू 5 मिनट ए परिका कुकर रे आदबा आपण देखि परचेंदी कोबी रो पकोड़ा एबे गोल्डन कलर हे जाईची आको आमे तेल रो बाहर करिना बा गोटे प्लेट को बिनुसी चैनल को सब्सक्राइब करन तो एवं लाइक शेयर कमेंट करया को बोलन तो थैंक यू। बाकी सब तक फुलकोबी रो पकोड़ा एठी में बनै नबा एठी सब तक रो पकोड़ा हमर बनी सारी छी एई पकोड़ा के आपण टमाटर सॉस किंबा ग्रीन चटनी सहित खाइले बहुत ही भलो लागिबो। पनीर रे पकोड़ा प्रस्तुत करया पई मु एठी 200 ग्राम पनीर नहीं पनीर को देखु एमतीका लंबा लंबा सेप्र काटि नहीं आपण पसंद सेप्र पनीर को काटिपर एवं अल्प टिके लंका गुंड एवं अल्प टिके आमचूर गुंड को यही पनीर में पकईदे जहाँफल यहाँ बहुत ही भल टेस्ट आसो आपड़ चाहिए ए चाट मसला पकई पारे मसला पक सर आपको आम टे अल्प टिके मिसईदे जमती पनीर चारिपट ए मसला गुड़क लग पनीर आम मसला सहित रेडी सारी एवं आम बैटर रेडी करना मुझे गोटे मिक्सिंग बोल नहीं दूसरी 4 चमच बेसन 4 चमच बेसन में मुझे 2 चमच कॉर्नफ्लोर दूसरी आप कॉर्नफ्लोर जगह चावल चूना देपारे यहीटा आम पकोड़ा क्रिस्पी हाँपाई दूचे एबे एथिरे आमे सब मसला आड कर देबा अल्प टिके हळदी गुंड दे देबा एठी लंका गुंड म आधा चम्मच दे दोउची गोटे छोटो चम्मच आमचूर पाउडर दे दोउची ता सहित आमे एठी 1/4 टीस्पून जीरा दे देबा गोटा जीरा अल्प टिके हेंगू दे देबा गोटे चम्मच कसूरी मेथी ए कसूरी मेथी को अल्प टिके म फ्राई करनै थिली एबे एथिरे स्वाद अनुसार लुण दे देबा आधा चम्मच अदा रसुण रो पेस्ट दे देबा एबे एथिरे अल्प पानी देकी आमे आरो गोटे बहलिया बैटर रेडी करनबा जेमती पनीर आदरे भल भाव डीप हो पार पनीर उपर जेमती बेसन एवं कॉर्नफ्लोर मिक्सर गोटे लेयर रही पार से हीपरिका आमे बैटर रेडी करबा ए बैटर को मु भल भाव मिक्स कर दउची
ବ୍ୟାଟର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ବ୍ୟାଟରର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଏହିପରି ଖା ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପନିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାରର ଏଇ ବ୍ୟାଟର ରହିବ। ଏବେ ପନିରର ପିସ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟରରେ ଡିପ୍ କରିବା ଏବଂ ଆକୁ ଏମିତି ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟିଂ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତେଲ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ଏବେ ଗରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋରେ ରଖିକି ଆକୁ ଛାଣିବା। ମୁଁ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ପନିର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଉଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଲୋ ହିଁ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା ତେବେ ଏଇଟା ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଏବଂ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାହାର ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ନରମ ନରମ ପନିର ପକୋଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇରେ ରଖିକି ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ପିସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକିଏ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଲେଉଟାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇକି ହିଁ କୁକ୍ ହେଉଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଉଟାଇ ଦେଉଛି ତାକି ଆରପଟ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲେଉଟାଇକି ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ପକୋଡ଼ାକୁ ଛାଣିବାର ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ପକୋଡ଼ାର କଲର୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମର ପକୋଡ଼ା ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏହି ଗରମା ଗରମ ପନିର ପକୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ବାକିତକ ପନିରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିନେବା। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ପନିର ପକୋଡ଼ା, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି ବାହାରୁ ଏବଂ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଚଟନି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, କେମିତି ବନିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।